हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुहू पिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केरेटिन प्रोफेशनल का रिपेयर शैम्पू एंड मास्क का रिव्यू। सो ये प्रोडक्ट्स बेसिकली आप तभी यूज़ करते हो जब आपको कोई सजेस्ट करता है सैलून वाले, या आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया होता है। जनरली अगर आपने अपने हेयर में कुछ भी नहीं कराया तो कोई इसको इतना यूज़ नहीं करता है। बट मैंने केराटिन कराया था तो इसका क्या रिज़ल्ट आया, इसका क्या मतलब इसने इफ़ेक्ट दिखाया मेरे हेयर पे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैम्पू की। सो ये आपको 600 के अराउंड मिल जाएगा। मैंने दोनों ही परचेज़ किए थे सैलून से, तो उन्होंने मुझे 1500 के अराउंड ये दोनों दे दिया था। उसके बाद अगर आप इसको कहीं अमेज़न वगैरह से परचेज़ करते हो तो आपको और भी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएंगे। इस शैम्पू में कोई भी सल्फेट नहीं है, सॉल्ट नहीं है, पैराबिन नहीं है। तो अगर आपने केराटिन वगैरह करा रखा है तो उसके लिए ये बेस्ट शैम्पू है। क्यों? इससे आपके बाल अच्छे से क्लीन होते हैं और जो प्रोडक्ट आपके बालों में लगा हुआ है वो लॉन्ग टाइम तक आपके हेयर पे अपना रिजल्ट दिखाता है। सो अगर इसकी टेक्सचर की बात करूँ तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा है, इसमें कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है। इसकी अलग खुद की एक फ्रेगरेंस है, लाइक थोड़ी सी मेडिसिन वाली मुझे लगती है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बात करूँ तो ये आपको 500 ml की बोतल मिल जाती है। अराउंड 650 के अराउंड और 600-700 का इसका कॉस्ट आपको मिल जाएगा अगर आप सिर्फ शैम्पू ही लेंगे। सो ये लिक्विडिश है, वाइटिश इन कलर है और आपके बालों को अच्छे से क्लीन करती है, स्मूथ बनाती है। और अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी करा रखा है तो ये वाला शैम्पू बेस्ट है। अगर नहीं भी कराया है तो भी ये बेस्ट है। इसकी pH वैल्यू भी 5 के अराउंड है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी जो मैंने इसका pH टेस्ट किया था। सो ये बेस्ट है आपके बालों के लिए। इससे अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ अपनी चेंज करते हो, लाइक अगर आप पहले कोई और शैम्पू यूज़ कर रहे थे अब ये करते हो, तो आपको हेयर फॉल होगा ही होगा, बिकॉज एकदम से आप कोई भी प्रोडक्ट को स्विच करोगे तो उससे हेयर फॉल होगा। सो आप इसको एक बार ही चेक कर लेना, एक महीने तक एटलीस्ट यूज़ करना। मैं इसको 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। सेकेंड प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ वो है केराटिन का ही मास्क, जो कि लग्जरी हेयर केयर प्रोफेशनल रिपेयर मास्क है। सो इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, लाइक जॉनसन्स बेबी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मुझे इसकी फ्रेगरेंस वैसी लगी। ट्रस्ट मी, इसको यूज़ करने के बाद आपके बाल बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की फील होते हैं। आपको इसको यूज़ कैसे करना है, लाइक आप जब अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लेंगे उसके बाद आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में ये लेना है और अपनी हेयर लेंथ पे अच्छे से लगाना है। एंड उसके बाद आपको वेट करना है 5-7 मिनट। 5-7 मिनट वेट करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना और आप देख पा रहे हो ये इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और कलर इसका वाइटिश है और ये बहुत ही अच्छे से आपके बालों में लग जाएगा प्रोडक्ट 5-7 मिनट में और सेटल हो जाएगा। उसके बाद आपको नॉर्मल वॉश कर देना है और वेट करना है। और कोई भी सीरम आप इसके बाद यूज़ कर सकते हो, स्ट्रीक्स का कर सकते हो। मैं भी स्ट्रीक्स वाला ही यूज़ करती हूँ, वो जो येलो वाला होता है, मैं वो यहाँ पर दिखा दूँगी आपको। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये भी आपको लाइक 500 ml का मिल जाता है 600 के अराउंड। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। एंड इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय गाइस, विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।